झुक जाए आसमान, बल्कि कहीं चुरा न ले तेरे कानून। मेरे हमनवा मेरे हुजूर, मेरे हमनवा मेरे हुजूर। हाँ चांद से पर्दा कीजिए। दोस्तों पिछले ब्लॉग में हमने गुच्चू पानी को कवर किया था, तो गुच्चू पानी से लौटते वक्त हमें वहाँ एक भाई मिला जो कि बहुत ही मधुर आवाज़ में गाने सुना रहा था, तो उसको मैंने अभी इस ब्लॉग में डाला। आप भी इंजॉय करें उसे, और अगर कभी आप यहाँ आने का मौका मिले तो प्लीज़ उसकी हेल्प ज़रूर करें इकोनॉमिकली। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं सचिवालय की ओर, जहाँ जवाई जी हमारा वेट कर रहे हैं, उन्हें हम पिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऋषिकेश, तो बने रहें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो सचिवालय से जवान जी को पिक कर लिया है। अब हम लोग निकल पड़े ऋषिकेश की तरफ। ऋषिकेश रोड से बढ़ते हुए डोई वाला कोत वाली डोई वाला में आता है, यहाँ सब वाला वाला ही है। तो भी डोई वाला से जा रहे हैं हम लोग ऋषिकेश की ओर बढ़ते हुए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप कभी फ्यूचर में यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ आने के लिए आपको तीनों साधन मिल जाएंगे। आप बाय एयर भी आ सकते हैं, बाय रोड और बाय ट्रेन भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद में इन तीनों जगह से आप रामझूला जो कि सेंटर पॉइंट है ऋषिकेश का, वहाँ तक आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम लोग तो देहरादून से ऋषिकेश बाय रोड जा रहे हैं जो कि करीब 43 किलोमीटर्स पड़ता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये दूरी आपको 258 किलोमीटर्स की पड़ेगी। हम लोग ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, अभी पार्किंग में हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं, फिर चलते हैं। यहाँ राम जगह दिखाई दे रहा है, तो हम अभी किनारे में, यहाँ पार्किंग के जस्ट साइड में ही है। तो देखिए नदी, अभी शाम के लगभग 5 बजे हैं और हम लोग पहुंचे हैं ऋषिकेश। तो यहाँ लक्ष्मण झूला यहाँ से काफ़ी दूर बता रहे हैं, अभी 3 किलोमीटर बता रहे हैं, तो साथ में बच्चे भी हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी किनारे में हैं, तो ये तो खाली हम लोग टच हो गया है यहाँ पे, देखते हैं क्या एक्सप्लोर हो पाता है यहाँ पे। मुश्किल है क्योंकि हमें आगे हरिद्वार भी जाना है। तो भाइयों हम लोग चल पड़े रामझूला की तरफ, गाड़ी पार्किंग करके 120 रुपया पार्किंग का है, तो पहुँचते हैं रामझूला। शत्रुघ्न मंदिर घाट, ये है राम झूला जो अभी हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। इससे 1 किलोमीटर आगे लक्ष्मण झूला है, वहाँ के लिए ऑटो भी मिलते हैं। करो
तो अभी लोगों से पता चला लक्ष्मण झूला बंद है, क्लोज कर रखा है वो। आई थिंक पता नहीं क्यों, मे बी रिपेयरिंग हो रही है, कोई और रीजन हो सकता है। यहाँ राम झूला आपको दिखा दिया मैंने। सुंदर, अद्भुत। दोस्तों, ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला देहरादून के निकट एक नगर है। यह गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है यह। यहाँ पे प्राचीन समय से ही लोग ध्यान करने के लिए आया करते थे, ऋषि लोग, संत लोग। भाई शाम हो गई, अभी तो नहा नहीं सकते, तो छींटे डाल लिया अपने ऊपर, शुद्ध कर लिया अपने आप को। दोस्तों, यहाँ आके पता चल रहा है कि क्यों विदेशों से लोग आके यहाँ बस जाते हैं, यहीं शादी कर लेते हैं और अपना पूरा जीवन यहीं पे लगा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पे होते हैं लोग जो कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आके बस जाते हैं। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसी बात है, जब यहाँ आओगे तभी अनुभव होता है। फिर हर आदमी का अलग टेस्ट होता है, तो हो सकता है सबको ना लगे ऐसा, बट ऐसा कुछ है यहाँ पे। और पूरे विश्व में ऋषिकेश को योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और गढ़वाले हिमालय का यह प्रवेश द्वार है। यहाँ के एक अलग ही फीलिंग हो रही है अंदर से, एक स्पिरिचुअल जो विचार होते हैं ना, ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है। हालांकि बच्चों के साथ आया हूँ, बट फिर भी मैं अलग हूँ, फीलिंग सम एनर्जी, वाइब्रेंट काइंड ऑफ। कुछ तो होता है भाई, कुछ तो शक्ति होती है, कुछ तो पावर है जो इस सृष्टि चला रही है। तो ऐसी जगह आओ तो क्या होता है ना, शरीर में गूजी बम्स टाइप के मतलब फील हो रहे हैं, मजा आ रहा है, मतलब कुल मिला के काफी आनंदित महसूस कर रहा हूँ। अभी क्योंकि शाम को काफी वक्त हो चुका है, लाइट थोड़ा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो रही होगी। तो दोस्तों, सोचा नहीं था, कई बार मैंने टीवी वगैरह में देखा था गंगा आरती ऋषिकेश की, तो आज हम एग्जैक्ट टाइम पे वहाँ पे हैं। तो चलिए, आज शत्रुघ्न घाट पे चल रही है गंगा आरती, वहाँ पहुँचते हैं। कुछ झलकियाँ देखिए आप भी। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम
तो गाइस ऋषिकेश से बस इतना ही था, बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है, लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं मेरा। तो आपको मैंने दर्शन तो कराया एटलीस्ट, और राम झूला के लक्ष्मण झूला तो बंद है। तो अब चलते हैं हम लोग आगे पड़ाव हरिद्वार की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी प्रकार से मैं आगे आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता रहूँगा, आपको नई नई जगह दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त इस व्लॉग को समाप्त करने की। तो टिल देन, नए व्लॉग आने तक नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।